नमस्कार दोस्तों, आप सभी आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए हैं, आशा आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, तो आइए इसको पूरे विस्तार से देखते हैं। उससे पहले आप हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे साथ जुड़ जाइए। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। हम आपको बता दें कि एक खबर जो दिखाने जा रही है, मानदेय से रिलेटेड जो है कि आंगनबाड़ी बहनों का खबर है। हम आपको बता दें कि आज 5 महीने से आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय नहीं आ रहा है। उसी के संबंध में जो है कि एक खबर निकल कर आ रहा है, आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय लग चुका है। 3 महीने का आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय आया है, उसके संबंध में एक खबर दिख रहा है। जैसा कि आपको उसका स्क्रीनशॉट यहां पे दिख रहा होगा कि पश्चिमी चंपारण ज़िले से ये जो है कि खबर निकल कर आ रहा है। पश्चिमी चंपारण ज़िले की आंगनबाड़ी बहनों का जो है कि पैसा आना शुरू हो गया है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी यानी 3 महीने का मानदेय आना शुरू हो गया है। यही नीचे सबसे आपको दिख रहा होगा जो मार्च महीने का मानदेय है, वो अभी जो है कि उनके बैंक खाते में जो है कि नहीं लगा है। उसको जो है कि यहाँ पे सबसे लास्ट कोने पे आपको दिख रहा होगा कि नो दिखा रहा है, लेकिन वही दिसंबर, जनवरी, फरवरी का उनका मानदेय जो है कि आ चुका है। तो ये पश्चिमी चंपारण ज़िले में 3-3 महीने का आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय लग चुका है और उनके खाते में आना शुरू हो गया है। तो जो भी आंगनबाड़ी बहनें बिहार से देख रही हैं पश्चिमी चंपारण ज़िले से, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं जो है कि आपका मानदेय आया है कि नहीं। अगर आप अभी तक चेक नहीं किए तो आप जो है कि बैंक अकाउंट जो है कि ज़रूर जाकर चेक करें और जो है कि आपका मानदेय आ चुका है। और जो है कि अगर आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो जो भी आंगनबाड़ी बहनें देख रही हैं पश्चिमी चंपारण ज़िला से, उनके लिए खुशखबरी है कि उनका 3 महीने का मानदेय उनके अकाउंट में आ चुका है। तो ये थी आंगनबाड़ी बहनों के लिए आज की बड़ी खबर जो हम आपको पूरे विस्तार से दिए हैं, मानदेय से रिलेटेड थी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।